तिवारी के साथ हम लोग मौजूद हैं इस समय भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के अररिया मऊ गांव में, जहां यहां पर आपको जनता से रूबरू कराते हैं, जनता से सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं कितना कुछ कार्य कराया गया है यहां पर भोगनीपुर विधायक विनोद कटियार के द्वारा, जो भाजपा से भोगनीपुर के विधायक हैं। सर क्या नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी। विजय जी, कितना संतुष्ट है आप विधायक जी के कार्यों से और कितना संतुष्ट है सरकार के कार्यों से? सर मैं सरकार के कार्यों से तो संतुष्ट हूँ, लेकिन विधायक जी की कार्यों की गणना क्या करें। माननीय विधायक जी श्री विनोद कटियार जी यहाँ पर एक बार भी जनता की समस्या नहीं सुनी, आकर पूरी सड़कें ऐसे पड़ी हैं, आदमी साइकिल से दूर पैदल चलना उसको आपद है, अंधेरा हो जाए वो गिर जाता है, ना कोई लाइटों की व्यवस्था है, खेतों में अन्य मवेशी ऐसे नुकसान कर रहे हैं कि किसान केवल उसी वजह से इतना त्रस्त है कि घर में नहीं सो पाता है, खेतों में पड़ा रहता है इसे सर्दी में, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है। क्या उम्मीद है सरकार चेंज होगी, यही रहेगी? नहीं, सरकार तो यही रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे गुंडे जो बदमाश थे वो यहाँ से पलायन कर गए, तो अनुशासन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कार्य करने की शैली है या विधि है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। इस पर जो हमारे अधिकारीगण हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर वो सही करें तो मवेशी भी जो गौशाला खुली उसमें भी हों और हर कार्य समय के अनुसार होना चाहिए। सर हम रहते हैं ग्राम फरजाबाद में जी, और जो है सरकार हमारी कोई गलत नहीं कर रही, मगर सरकार के जो आदमी है वो खराब कर रहे हैं। यानी जो विधायक है वो उनकी कार से हमारे यहाँ कोई सुनाई नहीं रही, सड़कों में आज के दिन वोट दिया हमने और विनोद कटियार की हमने शक्ल नहीं देखी है, मतलब वोट लेने के बाद विधायक जी सामने नहीं आए। नहीं आए, ग्राम फरजाबाद में रहते हैं। जी जी, क्या नाम है सर आपका? सर विजय जी, कितना संतुष्ट है आप सरकार की? सरकार के कार्यों से तो संतुष्ट है, बस बताई हुई एक समस्या है आवारा पशुओं वाली, आवारा पशुओं को लेकर ही समस्या है, बाकी सरकार तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इतना अच्छा कार्य करने वाली सरकार यूपी में आज तक बनी भी नहीं है। अभी हम लोग मौजूद थे भोगनीपुर विधानसभा के अररिया मऊ गांव में, यहाँ पर हमने लोगों की समस्याओं को जाना। लोगों का कहना है कि विधायक जी विधायक बनने के बाद यहाँ पर एक भी बार नहीं आका, हम लोगों ने जाना भोगनीपुर विधानसभा के मतदाता का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर वो लोग इस बार वोटिंग करेंगे। देखते रहिए मेरे साथ।